मौजूद है उनसे बात। सर किस ग्राउंड पे बेल मिली सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, एक तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कहना था कि किसी भी व्यक्ति को एंडलेस पीरियड तक अनंत काल तक जेल में नहीं रख सकते। विचारण चल रहा है, नाबालिग लड़की है, इसको इतने समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी चीजों को कंसीडर किया और इसके आधार पर हमको जमानत दी। ये लड़ाई वाकई बहुत टफ लड़ाई थी और अब आधी लड़ाई इसको बरी कराने की है, आधी लड़ाई जेल से बाहर आने की थी, आधी लड़ाई अगला क्या रहेगा आपके? बरी कराएंगे, ट्रायल चलेगा, बरी कराएंगे। ये थे अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित जी ने कहना था। अभी आधी लड़ाई जीती हम लोगों ने, बाकी पूरी लड़ाई जब सूची को सकुशल बाकायदा बरी करा लेंगे, पूरी तरह बरी करने के बाद पूरी लड़ाई पूरी होगी। कैमरापर्सन अरविंद के साथ अवनीत दीक्षित, भारत समाचार कानपुर। थाने गई थी और 8 तारीख को जेल भेजा, उन 4 दिन में मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको नहीं बता सकती, उस बारे में मुझे नहीं पता। मैं अभी इस बारे में, मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं अभी आपको ये सब बोल सर, अभी मैं उस बारे में कुछ नहीं कह सकती। बस मुझे पता है मैं चार तारीख को थाने गई थी और 8 तारीख को जेल भेजा, उन 4 दिन में मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको नहीं बता सकती, उस बारे में मुझे नहीं पता। सर, था कि वो मुझे